हैंडवर्क पार्ट 15 पढ़ाएंगे जो कि टाइप 2 होगा। टाइप 1 में मैंने 125 प्रश्न करा दिया है, तो आप जाकर टाइप 1 के प्रश्न को पढ़ सकते हैं। तो आइए टाइप 2 के प्रश्नों को यहां से करते हैं। ए एक काम को 12 दिन में और बी इसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है, शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रश्न में कह रहा है कि ए कितने दिन में काम करता है, 12 दिन में, और बी वही काम कितने दिन में करता है, 18 दिन में। यहां से देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए, 12 और 18 का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 36। ये क्या है, टोटल वर्क है, कैसे आया एलसीएम लेने पर पूरा किया गया कार्य। तो देखिए ए 12 दिन में 36 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। यहां देखिए 36 में 12 से भाग देंगे कितना आएगा, 3। एक दिन में 3 काम करेगा, मीन्स इसकी एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट है, किसकी है, ए की है। यहां से देखिए बी 18 दिन में 36 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। यहाँ क्या करना, 36 में 18 से भाग देंगे, 2 यूनिट आ गया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पूरा टोटल काम कितना है, 36 है, और प्रश्न में देखिए कह रहा है कि वे एक साथ काम करते हैं, कौन, ए और बी एक साथ काम करते हैं। ए और बी की एक एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 और 2 है, तो दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2 दिन तक काम करते हैं कितना हो जाएगा, 5 × 10। यहां से घटा लीजिए, ये देखिए ये टोटल वर्क हो गया, ए और बी द्वारा किया गया कार्य है ये 2 दिन तक का, इसमें से घटाएंगे कितना होगा, 26। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, शेष काम, ये देखिए शेष काम हो गया। अब कह रहा है कि ए चला जाता है, ए चला जाता है तो कौन काम करेगा, बी काम करेगा। बी की कार्य करने की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो यहाँ 2 से भाग दे दीजिए, इज इक्वल टू 13 दिन। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 13 दिन में करेगा। यही आपका आंसर है, यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 2 है। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य आरंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया, कार्य कुल कितने दिन चला। तो देखिए यहाँ पर ए कितने दिन में कार्य कर रहा है, कह रहा है कि ए 20 दिन कार्य कर रहा है, और यहाँ पर वही काम बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। ये देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए, 20 और 12 का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 60 होगा। ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, कैसे आया एलसीएम लेने पर, किसका एलसीएम, 20 और 12 का एलसीएम लेंगे 60 होगा। तो देखिए यहाँ पर ए 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, यहाँ देखिए 60 में 20 से भाग देंगे कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। यहाँ देखिए बी 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। तो ये देखिए प्रश्न में कह रहा है कि तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ, मीन्स कार्य 4 दिन तक किसने किया, 4 दिन तक ए कार्य किया है, और टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य 60 है। ये देखिए ये 4 दिन तक बी कार्य किया, सॉरी 4 दिन तक ए कार्य किया, यहाँ पर ए की कार्य करने की एक दिन की क्षमता 3 है और 4 दिन तक कर रहा है, तो 4 से इसमें गुणा कर लीजिए, 4 × 12 यहाँ पर कितना हो गया, -12 कर लीजिए, यहाँ पर देखिए घटाएंगे कितना हो जाएगा, 48। ये क्या हो गया, बचा हुआ कार्य हो गया। अब देखिए बचा हुआ कार्य किसने पूरा किया, ए और बी दोनों ने मिलके किया है। तो देखिए यहाँ पर जब कह रहा है कि जब बी सम्मिलित हो गया, तो मीन्स ए और बी दोनों लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 यूनिट और 5 यूनिट दोनों को जोड़ लीजिए कितना होगा, 8। यहाँ पर भाग दे दीजिए, ए दोनों ने कार्य किया है, तो यहाँ पर भाग देंगे 8 × 48 दिन। यहाँ पर ए बी 6 दिन काम किया, और कह रहा है कि कार्य कुल कितने दिन चला, ये देखिए 4 दिन तक ए ने कार्य किया है,
चार दिन तक ए ने कार्य किया है और छह दिन तक ए प्लस बी ने कार्य किया है, तो 4 + 6 = 10 days। पूरे कितने दिन तक कार चला? 10 दिन तक कार चला। यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में 3 है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया और बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा कर लिया। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? तो देखिए, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रश्न में कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर कार्य को कितने दिन में करते हैं? कह रहा है कि 30 दिन में। यहां से देखिए, इसका एलसीएम लेंगे 30 का, तो यहाँ पर 30 का एलसीएम 30 ही होगा। ये क्या हो गया हमारा? टोटल वर्क हो गया, पूरा किया गया कार्य कैसे आया एलसीएम लेने पर। यहाँ पर देखिए, ए और बी मिलकर 30 दिन में 30 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक काम करेंगे। 30 को यहाँ 30 से भाग दे दीजिए, इसके कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई? एक आ गई। ये देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि पूरा टोटल कार्य कितना है। यहाँ पर देखिए, टोटल कार्य 30 है और कह रहा है कि उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया। ये देखिए, उन्होंने मिलकर, ए और बी ने मिलकर 20 दिन काम किया। इनकी एक दिन की कार्य करने की क्षमता एक है। अगर 20 दिन तक करते हैं तो एक में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 20 मीन्स माइनस 20। तो देखिए, एक टोटल कार्य है, ए और बी ने मिलकर जो किया उसको घटा दीजिए, तो बचा हुआ कार्य कितना हो गया? 10 हो गया। अब देखिए, कह रहा है कि आगे ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा किया। ये क्या है? शेष कार्य है। शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया? 20 दिन में। तो यहाँ 20 से भाग दे दीजिए, इसमें देखिए 20 से भाग देंगे तो कितना आ गया? 1/2। ये किसकी आ गई? एक की एक दिन की कार्य करने की क्षमता है। ए की क्या है? इफिशियंसी है, ए की क्षमता है। 1/2 आ गई। अगर हमें क्षमता मिल गया तो कह रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये देखिए, टोटल काम कितना है? 30 है और ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 1/2 आ गई, तो यहाँ 1/2 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर भाग दे रहे होंगे, कितना होगा? ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 60 दिन। ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? 60 दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 4 है। ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में तथा सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को करने में ए को लगा समय था। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है एक कार्य को ए कितने दिन में कर सकता है? ए कह रहा है कि 24 दिन में कर सकता है। और वही कार्य बी कितने दिन में कर सकता है? कह रहा है कि 9 दिन में। और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। ये देखिए, 24, 9 और 12 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया? 72। ये क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया, कैसे आया? एलसीएम लेने पर। यहाँ पर देखिए, 24, 9 और 12 का एलसीएम कितना हुआ? 72 हुआ। ये देखिए, ए 24 दिन में 72 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? यहाँ 24 से भाग दीजिए, 72 में कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ पर देखिए, बी 9 दिन में 72 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 72 में 9 से भाग देंगे, कितना आया? 8 यूनिट काम करेगा। यहाँ पर देखिए, सी 12 दिन में 72 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 6 यूनिट काम करेगा। तो देखिए, यहाँ पर टोटल वर्क कितना दिया गया है? 72। ये देखिए, 72। और कह रहा है कि बी और सी कार्य आरंभ करते हैं परंतु 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ देते हैं। ये देखिए, बी और सी कार्य को आरंभ कर रहे हैं लेकिन 3 दिन तक ही करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। उसके बाद कार्य कौन करेगा? ए करेगा। तो देखिए, यहाँ पर बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? ये देखिए, 8 और 6।
कितना हो गया 14। और कह रहा है कि ये 3 दिन तक कार्य कर रहे हैं, प्रश्न पढ़िए, ये 3 दिन तक कार्य कर रहा है तो देखिए 14 + 42 यहाँ पर टोटल वर्क में से 42 घटा लीजिए तो बचा हुआ कार्य कितना हो जाएगा 30, घटाएंगे कितना आया 30 आ गया। तो देखिए यहाँ पर बचा हुआ कार्य कौन करेगा, जब बी और सी ने कार्य छोड़ दिया तो कार्य कौन कर रहा है, अब ए कार्य करेगा, ए की कार्य करने की एक दिन की क्षमता कितनी है 3 है, तो यहाँ 3 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर 3 से भाग दे दीजिए कितना आया 10 दिन। शेष कार्य को करने में ए को 10 दिन लगेगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न 5 है, ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है और बी अकेले ने शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया, दोनों मिलकर कार्य को निम्न समय में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ए कार्य को कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में, और कह रहा है कि देखिए 60 दिन में कार्य को कर रहा है तो 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 60 ही होगा, यहां से देखिए ये क्या हो गया टोटल वर्क हो गया, कैसे आया एलसीएम लेने पर, यहाँ पर देखिए ए 60 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, यहाँ पर 60 में 60 से भाग देंगे कितना काम करेगा 1 यूनिट काम करेगा, यह ए की क्षमता है, एक दिन की कार्य करने की क्षमता 1 है। तो देखिए यहाँ से पूरा टोटल काम कितना है 60 है। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि ए 15 दिन कार्य करता है, ये देखिए ए 15 दिन कार्य करता है, एक ही एक दिन की कार्य करने की क्षमता 1 है और 15 दिन तक कार्य करता है तो पूरा कार्य कितना हुआ 15 यूनिट काम हुआ, तो यहां से घटा लीजिए तो बचा हुआ कार्य कितना हो गया 45। ये देखिए 45 क्या है बचा हुआ कार्य। अब कह रहा है कि फिर बी अकेले ने शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया, ये देखिए बी अब यह बचा हुआ कार्य 45 है, इस कार्य को कौन करेगा बी करेगा, कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा, 30 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर देखिए भाग दे रहे होंगे 15 × 45 15 × 30 अनुपात कितना आ गया 3/2, ये देखिए 3/2 किसकी क्षमता है, यह बी की क्षमता है, क्या है बी की यह इफिशियंसी है, एक दिन की कार्य करने की क्षमता हमें बी की मिल गई, तो कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य को निम्न समय में पूरा करेंगे, तो देखिए यहाँ पर टोटल कार्य कितना है 60 है, टोटल कार्य 60 है और बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है 3/2 है, तो यहाँ से सॉल्व करिए 60 × 2/3 यहाँ से कितना हो जाएगा 20 × 60, तो यहाँ पर हो गया बी की कार्य करने की बी कितने दिन में कार्य करेगा 40 दिन में, तो देखिए बी 40 दिन में और यहाँ पर ए कितने दिन कर रहा है 60 दिन में वही काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ए काम को कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम लीजिए, यहाँ पर देखिए दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 120, यह क्या हो गया टोटल वर्क हो गया, यह कैसे आया एलसीएम लेने पर, तो यहां पर देखिए ए 60 दिन में 120 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 2 यूनिट काम करेगा, यहां पर क्या करेंगे 120 में 60 से भाग देंगे, यह क्या हो गई ए की क्षमता हो गई, बी 40 दिन में 120 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, यहां पर भाग देंगे 120 में 40 से कितना 3 यूनिट काम करेगा। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे, ये देखिए टोटल वर्क कितना है 120 है और ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 2 है, बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 है, दोनों को जोड़ लीजिए, यहाँ कितना हो गया 2 और 3 5, तो भाग दे देंगे यहाँ पर भाग देंगे तो इज इक्वल टू 24 दिन, यही आपका आंसर है, यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न 6 है, 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं
तो काम के पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे? तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कितने दिन और लगेंगे, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करिए, M1D1 = M2D2। तो देखिए यहां से कह रहा है कि 12 पुरुष, मैन कितने हैं, 12 पुरुष कितने दिन तक काम करते हैं, 12 दिन तक, या क्या हो गया, टोटल किया गया कार्य हो गया। अब इधर देखिए, इधर कह रहा है कि 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं। ये देखिए 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं, तो कितने पुरुष बचे, 6 पुरुष बचे, 6 ने काम छोड़ दिया। और कह रहा है कि कितने दिन तक, कह रहा है कि जो काम पहले 12 दिन में हो रहा है और कितने, कह रहा है कि काम को पूरा करने के लिए कितने और दिन लगेंगे। देखिए यहाँ पर पहले 12 दिन लग रहे थे, अब देखिए यहाँ पर 12 प्लस x दिन लगेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो पहले समय लग रहा था काम छोड़कर चले गए, तो दिन की संख्या तो बढ़ेगी, माना x दिन बढ़ गया। तो यहाँ से कैलकुलेट करिए, यहाँ से 6 दुनी 12, यहाँ 2 आ गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, 12 दुनी 24 = 12 + x, तो x = 24 - 12, x = 12 दिन, 12 दिन और लगेंगे, यही आपका आंसर है। यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 7 है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात बी ने काम छोड़ दिया। यदि इस प्रकार कार्य को पूरा होने में 2 दिन अधिक समय लगा हो, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता था? तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि ए और बी मिलकर कितने दिन तक कार्य करते हैं, कह रहा है कि 3 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। ये देखिए ए बी मीन्स M1, और यहाँ पर कितने दिन तक, 2 दिन तक, ये क्या हो गया D1, और इधर = फिर कह रहा है कि उन्होंने 2 दिन तक का उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात बी ने काम छोड़ दिया। ये देखिए ए और बी, सॉरी यहाँ 3 है, ए और बी, ए प्लस बी कितने दिन तक काम किए हैं, 2 दिन तक काम किए, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। अगर बी ने काम छोड़ दिया तो काम कौन करेगा, ए करेगा, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा 2A। अब देखिए इसको इस साइड लाइए, यहां पर देखिए ए 3 है, ए 2 है, इसको इस साइड लाएंगे घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए प्लस बी = यहां से देखिए 2A। यहां पर आप कंफ्यूजन ना करिए, ये देखिए सेम चीज है, ए प्लस बी 3 है, यहाँ पर ए प्लस बी 2 है, तो इस साइड आएगा, दोनों घट जाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो ए प्लस बी = 2A, तो यहाँ से बी = क्या हो जाएगा 2A - A, तो यहाँ से ए = क्या हो जाएगा बी। तो देखिए यहाँ से a/a/b = 1/1, तो इसको हम लिख सकते हैं a/b = 1/1। तो देखिए यहां से कह रहा है कि b अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए पहले तो हम टोटल कार्य कितना हो जाएगा, यहां से देखिए a प्लस b 3 दिन तक कार्य कर रहे हैं, तो यहां से a की वैल्यू 1 रखिए, तो देखिए यहां से पूरा किया गया कार्य कितना होगा, यहां से देखिए 1 रखिए और इसमें 1 रखिए बी का, और कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं, 3 दिन तक कार्य कर रहे हैं, ये क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। अब पूछ रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन तक करेगा। ये देखिए बी की यहां पर कार्य करने की क्षमता कितनी है, 1 है, तो इससे यहां पर भाग देंगे, तो यहां पर देखिए बी वर्क डेज बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यहां से देखिए दोनों को जोड़ लीजिए, यहां से 2 × 3, यहां पर देखिए बी का पूछ रहा है तो बी से भाग दीजिए यहां पर, तो यहां पर भाग देंगे कितना हो जाएगा 6 दिन।
यही आपका आंसर है। यहाँ पर आपका ऑप्शन टू करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 8 है। 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे। कार्य कितने समय में पूरा हुआ? तो देखिए, यहाँ पर पहले तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि पूरा किया गया कार्य कितना है। कह रहा है कि 40 आदमी 40 दिन तक कार्य करते हैं, तो मीन्स एम गुणे डी। तो यहाँ पर देखिए, आदमी कितने हैं? 40 हैं, और कितने दिन तक कार्य करते हैं? 40 दिन तक। यहाँ पर गुणा करेंगे 1600। काम कितना आ गया? 1600 यूनिट काम आ गया। तो देखिए, कह रहा है कि टाइम, यहाँ पर देखिए समय जो है, समय कह रहा है कि आगे करा उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते गए। ये देखिए, यहाँ पर 10वें दिन पर कितने आदमी ने काम छोड़ा? कितने आदमी हैं? 40 आदमी हैं 10वें दिन पे, सॉरी एम है यहाँ पर। कितने आदमी हैं 10वें दिन पर? 40 आदमी हैं। फिर अगले 10वें दिन पर तो कह रहा है कि 5 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो कितने आदमी हो गए? यहां से देखिए -5 कर दीजिए, कितने आदमी हो गए? 35 आदमी हो गए। फिर कह रहा है कि अगले 10वें दिन पर, अगले 10वें दिन पर फिर जो है उसके अंत में कितने आदमी काम छोड़ते हैं? 5 आदमी काम छोड़ दिए, तो कितने आदमी बच गए? 30 आदमी बच गए। यहाँ पर देखिए, अगले 10 दिन में, अगले 10वें दिन के अंत में फिर कह रहा है कि 5 आदमी काम छोड़ दिए, तो कितने हो गए? 25 आदमी। यहाँ से 30 में से 5 घटाएंगे, 5 आदमी काम छोड़ रहे हैं, कितना हो गए? 25 आदमी। तो यहाँ से देखिए, अगले 10वें दिन में 5 आदमी फिर काम छोड़ रहे हैं, तो कितने आदमी काम छोड़े? यहाँ पर 25 में से 5 छोड़ दिया, कितने आदमी बचे? 20 आदमी। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि, फिर आगे कह रहा है कि यहाँ पर इनके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ये देखिए, इनके द्वारा किया गया कार्य वर्क कितना होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 40 दिन और आदमी कितने हैं? यहाँ पर मैन कितने हैं? यहाँ पर देखिए एम गुणे डी, यहां से देखिए एम गुणे डी, 40 गुणे 10 करेंगे कितना होगा? 400 प्लस, यहां पर देखिए 35 गुणे 10 करेंगे कितना होगा? 350। यहां पर करेंगे 30 गुणे 10 कितना होगा? यहां पर एम एम कर लीजिए, यहां पर करेंगे तो 300, यहां पर करेंगे तो 250, यहां पर करेंगे 200। यहां पर देखिए ओवरऑल जोड़ रहे होंगे तो पूरा वर्क कितना आ गया? 1500 यूनिट वर्क आ गया। और यहां पर देखिए टोटल वर्क कितना है? 1600 है। तो यहां पर शेष काम कितना हो जाएगा? शेष काम कितना हो जाएगा? यहां से 1600 माइनस 1500, यहां से घटाएंगे तो कितना होगा? शेष काम 100 होगा। अब देखिए, तो कह रहा है कि शेष कितने समय में पूरा होगा? तो देखिए, 5 आदमी जब छोड़ रहे हैं तो यहां पर देखिए 20 आदमी जब हो गए तो शेष काम को पूरा करने में लगा समय, लगा समय। यहां पर देखिए पूरा वर्क, शेष वर्क कितना है? 100 है। और यहां पर देखिए, यहां पर कितने आदमी? 20 हैं। 5 आदमी 10वें दिन के काम के अंत में छोड़ रहे हैं, तो 20 माइनस 5 कर दीजिए, यहां पर कितना हो गया? 100/15। यहां पर देखिए 100/15 में भाग देंगे, 6 सही 2/3 दिन। आगे करा कि कार्य कितने समय में पूरा होगा? ये देखिए, कार्य यहां पर देखिए,
कार्य ए कितना हो गया, यहाँ पर 10 10 10 कितना हो गया, पांच पांच बार, तो कितना हो गया 50 दिन, तो यही हो गया। तो देखिए टोटल टाइम लगेगा, टोटल टाइम ये देखिए 5 × 10 प्लस यहां पर देखिए 6 सहित 2/3 दिन, तो यहां पर कितना हो गया 50 + 6 सहित 2/3, तो यहां पर हो गया 56 सहित 2/3 दिन। कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 56 सहित 2/3 दिन। यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न 9 है, ए किसी कार्य को 18 दिन तथा बी 12 दिन में पूरा कर सकता है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया, कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि ए एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है, कह रहा है कि 18 दिन में। बी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, कह रहा है कि 12 दिन में। यहाँ पर देखिए 18 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 36। ये क्या हो गया टोटल वर्क कैसे आया एलसीएम लेने पर। यहाँ पर देखिए ए 18 दिन में 36 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा, यहाँ 36 में 18 से भाग देना है। यहाँ पर देखिए बी 12 दिन में 36 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, 36 में 12 से भाग देंगे 3 आ गया। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है टोटल वर्क कितना है 36 है। तो आगे कह रहा है कि प्रश्न में उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया किंतु बी कार्य समाप्त से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया, ये देखिए बी 3 दिन पूर्व ही कार्य को छोड़ के गया है, तो कार्य को कौन करेगा, यहाँ पर ए किया, मींस ए का 3 दिन का कार्य क्या होगा, यहाँ पर देखिए ए का 3 दिन का कार्य और ए की 1 दिन की कार्य करने की क्षमता 2 है, तो यहाँ पर 3 से 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर -6 हो जाएगा। एक क्या है, ए द्वारा किया गया कार्य है, तो इसमें से घटा लीजिए रिमेनिंग कितना, शेष काम कितना बचा, 30 बचा, ये देखिए शेष काम 30 बचा। अब कह रहा है कि यहाँ पर बी 3 दिन पहले ही छोड़ के गया है, तो ए द्वारा कार्य हो गया। अब दोनों मिलकर जो कार्य किए हैं उसका देखिए, दोनों मिलकर कितना कार्य किए हैं 30 यूनिट, और दोनों द्वारा 1 दिन का काम कितना है 3 + 2 और कितना हो गया 5 से भाग दे दीजिए यहाँ, तो कितना हो गया, यहाँ भाग देंगे इज इक्वल टू 6 दिन। यहाँ पर ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। अब आगे पूछ रहा है कार्य को पूरा होने में कुल कितना दिन लगे, ये देखिए यहाँ पर कार्य को पूरा होने में कुल कितना दिन लगे, ये देखिए टोटल टाइम कितना लगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कार्य को प्रश्न में देखिए कह रहा है कि बी कार्य समाप्त से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़ देता है, मतलब 3 दिन तक ए कार्य करता है, 3 दिनों हो गया, और 3 दिन ए प्लस बी ने कार्य किया है, यहाँ कितना हो गया इज इक्वल टू 9 डेज। 9 डेज कितने दिन लगे, यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न 10 है, ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया, यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया हो तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया। यहाँ देखिए बी का कार्य निकालना है, तो देखिए कह रहा है कि कोई कार्य है ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। ये देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए, यहाँ पर 20 और 30 का एलसीएम लेंगे कितना होगा 60 होगा। ये क्या हो गया टोटल वर्क हो गया, पूरा किया गया कार्य कैसे आया एलसीएम लेने पर। यहाँ पर देखिए ए 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा, क्यों, यहाँ पर 60 में 20 से भाग देंगे कितना आया 3 आ गया। यहाँ पर देखिए बी 30 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा,
दो यूनिट काम करेगा, यहाँ 60 में 30 से भाग देंगे दो आ गया, ये क्या हो गई, ए की क्षमता हो गई और बी की क्षमता हो गई। तो देखिए टोटल वर्क कितना है, 60 है। अब प्रश्न में कह रहा है कि बी कार छोड़कर चला जाता है, ये देखिए कार्य बी छोड़कर चला जाता है तो कार्य कौन कर रहा है, ए कर रहा है। कितने दिन कर रहा है, शेष काम को ए ने 10 दिन में पूरा किया। ये देखिए ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 है और 10 दिन तक कर रहा है तो 10 से गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहां से घटा लीजिए 30 को, ये क्या हो गया, पूरे कार्य में से ए द्वारा किया गया कार्य घटाएंगे तो बचा हुआ कार्य कितना होगा, 30 होगा। तो देखिए यहां पर 30 कार्य को किसने किया है, यहां पर ए और बी दोनों मिलकर किए हैं। ऊपर प्रश्न में देखिए कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को अलग अलग 20 दिन 30 दिन कर सकते हैं, उन्होंने कुछ दिन तक साथ मिलकर काम किया है। देखिए साथ मिलकर काम किया है, 3 यूनिट ए की कार्य करने की क्षमता 3 यूनिट है, बी की 3 है, तो दोनों को जोड़ के यहाँ पे भाग दे दीजिए, यहाँ पर भाग देंगे कितना हो जाएगा, 5। तो यहां से भाग देंगे कितना आ गया, 6 दिन। तो यहां पर बी 6 दिन तक कार्य किया, यहां पर आपका ऑप्शन 4 सॉरी यहां पर आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है। ये दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।